हाँ जी, जय भोले बाबा जी की अब आ रही है आवाज। हाँ, अब भी आ रही है हाँ जी, आवाज़। हाँ जी, बताइए। जय भोले बाबा जी की। हाँ, जय भोले बाबा जी की। आपकी वजह से मेरी यात्रा बहुत अच्छी तरह से सफल हो गई, सच्ची अरे मेरी वजह से कहा, ये तो सब भोले बाबा जी का। में सफल हो गई, क्योंकि हाँ जी, मैं आपके वीडियो हर रोज देखती थी। एक बार तो ऐसा हुआ, यानी कि शायद 20 या 21 जुलाई को, अच्छा कि मैं यात्रा पोस्टपोन करने वाली थी, क्योंकि वो बाबा जी का शिवलिंग ओकम हो रहा था, जी 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 और जी 2 दिन रोई भी मैं। ओहो, अच्छा। लेकिन जब मैंने आपका एक वीडियो देखा, एक लेडीज बोल रही थी आपके साथ, तो उस वीडियो की वजह से मैं बहुत मोटिवेट हो गई, और बाद में मैंने सोचा कि नहीं, जाना है बाबा जी को, तो मिलने जाना ही है अरे मुझे। वाह, बहुत बढ़िया। जब मैं बालटाल में गई हेलीपैड के पास, तो उसी टाइम से मुझे बाबा जी के हर जगह पे दर्शन मिले। वाह जी वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मैं सब आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ, 5 मिनट मिलेगा मुझे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप 10 मिनट बताइए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सभी भक्तों को बताता हूँ कि यात्रा शिवलिंग के रूप में नहीं, बाबा जी आपको किसी भी रूप में कहीं पे भी दर्शन दे सकते हैं। मुझे हर जगह पे बाबा जी मिले, सच्ची में भैया जी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मानता हूँ ये बात और आपकी। उस जगह पे 30 तारीख को बहुत सारी औरतें थी, वो झगड़ा कर रही थी, लेकिन पहला मुझे बाबा जी के दर्शन हुए आर्मी के जवान के साथ, क्योंकि अच्छा वो अच्छा इतना उनका पेशेंस था। वो सबको बता रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम है हेलीकॉप्टर के लिए, तो आप झगड़ा मत करो, सबका दर्शन हो जाएगा। तो पहले अच्छा मुझे बाबा जी वहां पे मिले। अरे वाह, जब मेरे बैग में लेके जा रही थी, आपके मैंने पूरा इंफॉर्मेशन देखा था ना, कि क्या क्या लेना आप चाहिए, अकेले गए थे क्या यात्रा पे? नहीं। हम 3 सहेलियां थी, और एक सहेली के हस्बैंड थे, वो आर्मी में है वहां पे। हाँ, अच्छा, तो हम 4 लोग थे। अरे वाह, तो मेरी बैटरी मेरे सैग में थी, लेकिन वो नीचे गई थी, तो जब बैग चेक हो रहा था, तो मुझे कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी कि आपकी बैटरी है, मुझे तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अच्छा। वहां पे भी आर्मी के जवान थे, वो मेरी बैग चेक कर रहे थे। बहुत घबरा गई थी कि अब क्या होगा मेरा। नहीं, बैटरी के लिए मना नहीं करते हैं वैसे। अच्छा हाँ, लेकिन मैं घबरा गई थी, तो अच्छा मेरा जो इत्र का बॉटल था वो उन्हें मिला, तो मैं इतनी डर गई। लेकिन उन लोगों ने मेरा इत्र लगाया और बोले कि बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, कुछ भी अच्छा प्रॉब्लम नहीं, अच्छा आप बोलो मेरी बैग चेक हो गई है और जाओ। अरे वाह, वहां पे भी आपके दर्शन, प्रभु हाँ, ने। तो वहां पे भी मुझे प्रभु के दर्शन बिल्कुल हुए। बिल्कुल, ऐसे जा ही संकेत होते हैं, बिल्कुल सही कहा। हाँ, जब आपकी कोई लेकिन दी वो हुई उस चीज लगा ले, दिन, तो वो समझो परमात्मा ने खुद ब खुद लगा ली अपने ऊपर। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, तो उस दिन हमें ज्यादा टाइम लगा। उस हेलीकॉप्टर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जब पंचतरणी में हम गए, तो वहां पे 2:30 बजे का टाइम था ना, तो वहां पे जाने के बाद हम आखिरी लोग थे कि गए। लेकिन जो हमारे साथ वो आर्मी के जो मेरे सहेली के जो हस्बैंड थे, तो वो बाद में आ रहे थे ना, तो वहां पे भी वो जो घोड़े वाले हैं वो ऐसे अंग पिक के ऊपर आए। लेकिन दिल्ली के बहुत अच्छे लोग मिले, 10-12 लोग थे, तो बोले हमारी बहनें हैं जैसी वो, आप लोग, आप डरो मत, आपके दर्शन आज ही हो जाएंगे, अरे हम वाह, रुकते हैं आपके लिए। तो वहां पे भी हमें बाबा जी के रूप मिले। बहुत बढ़िया, तो अच्छा। 4-5 लोग हमारे लिए रुके, बाकी के लोग आगे बढ़ गए, लेकिन आर्मी वाले तो एंट्री नहीं दे रहे थे। लेकिन वहां पे भी दूसरा एक आदमी आया, वो बोला कि कुछ डरो मत भैया, दीदी आप, हम दूसरी साइड से उन्हें लेके आते हैं। थोड़ा सा अच्छा, टाइम लगा, क्यों 3 बज रहे थे उस टाइम, वो लेके आए। तो ठीक है, बाद में हमारा सब अच्छा हुआ। जाते वक्त मुझे घोड़े की नाल भी मिली, अच्छा जी, अरे वाह, मेरी तबीयत बहुत वीक है, फिर भी मुझे ऐसा बिल्कुल वहां पे महसूस भी नहीं हुआ कि मैं चल नहीं सकती। और मैं अंदर से मैंने पूरा ठान लिया था कि नहीं, मैं चल के ही जाऊंगी। यहाँ तक तो मैं हेलीकॉप्टर से आई हूँ, लेकिन अभी तो मुझे चलना चाहिए। बिल्कुल। इतनी अच्छी तरह से चली मैं, मेरी सहेलियां तो घोड़े के ऊपर गई, लेकिन मैं नहीं अरे गई, वाह, और बिल्कुल भी थक नहीं गई मैं। अरे वाह, शाम की आरती भी मिली, बहुत अच्छा लगा, बाबा जी को देख के बहुत रोई मैं। इससे अच्छा क्या होगा बताइए जीवन में ना। कोई आदमी को ना अपना भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही दूसरों की बातों में आना चाहिए कि ये हो गया अब मत जाओ, वो हो गया अब मत जाओ। जब भोले बाबा जी, तो देखो अभी भी हम बात कर रहे हैं, आप खुश हैं, आपके अंदर भी एक परमात्मा है ना, और प्रभु कण हाँ, कण में है। फिर भी लोग सोचते हैं नहीं, शिवलिंग नहीं हुआ तो क्या करेंगे जाके। अरे प्रभु ने दर्शन देने आपको बुलाया नहीं, है। मैंने वो आपका एक वीडियो देखा,
जब मैं 2 दिन बहुत रोई थी कि बचपन से मेरी मंशा है कि मैं अमरनाथ जाऊँ, कम से कम 35 साल से मैं ऐसा अच्छा। सोच रही हूँ। अभी मेरा एज 46 है, लेकिन जाने का ही रास्ता नहीं मिल रहा था कि हाँ ठीक है कैसे जाएंगे क्या करेंगे, ऐसा ही सोच रही थी। लेकिन एक मैसेज की वजह से मैं गई, क्योंकि वो आर्मी वाले जो है वो बोले कि कब आ रहे हो, तो उनके एक मैसेज से मैंने तय किया कि नहीं हमें जाना चाहिए। लेकिन आपके वीडियो की वजह से मैं ज्यादा गई। चलो, अब ये परमपिता परमात्मा मैंने ने आपको आपको फिर, मैसेज भी डाला, लेकिन मैं 2 दिन के बाद ऐसे ही फोन करती रहती थी कि नहीं भैया जी को तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये शुक्रिया नहीं तो परमपिता परमात्मा, क्योंकि मैं भी जब यात्रा से आया ना, तो अभी हाँ यहाँ पे हाँ हमारे यहाँ गौशाला है हिमाचल में, हम समितियाँ कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, गौशाला वगैरह खोला ना हमने, तो वो हाँ लड़का भी हाँ चला गया था, तो उस काम में बिजी हो गया, फिर पूजा पाठ था थोड़ा सा उसमें लग हाँ गया, हाँ तो मैं कहा अभी कॉल आ रहा है देखता हूँ, तो बहुत हाँ खुशी हुई हाँ आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, और हाँ भोले बाबा हाँ जी आप पर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें, नहीं, हर जगह पे मुझे भोले बाबा जी दिखे बिल्कुल। मिले, और आप गए उस बाहर इतना से अच्छा लगा मुझे कि क्या बताऊँ मैं आपको। और नहीं नहीं दूसरी बिल्कुल एक बात बताना चाहती हूँ, नहीं, आप विश्वास रखो न रखो वो तो आपके ऊपर है, नहीं लेकिन विश्वास जब मैं मैं पक्का रखता माता हूँ। रानी के पास गई ना भैया, तो एक लड़की हमें मिली और वो बोली कि मुझे चुंदरी चाहिए। मैंने उसे पूछा कि खाना चाहिए क्या, पैसा दे दूँ क्या, नहीं खाली मुझे चुंदरी चाहिए। और मैंने पहले तो 50 की निकाली, नहीं वो नहीं चाहिए, 100 की निकाली वो नहीं चाहिए, 150 की निकाली वो भी नहीं चाहिए, मुझे वो ऊपर वाली सबसे अच्छी वाली चुंदरी चाहिए। अरे मैंने वाह, उसे, हमने तीन सहेलियां थी, हमने सबने मिलके उसे चुंदरी दी, उसने अपने ऊपर वो लपेटी और वो गायब हो गई भैया। सच्ची में बिल्कुल झूठ नहीं बोलती मैं। सही कह रहे होंगे आप, मैं मानता हूँ चमत्कार, देखिए जो ईश्वर को मानता है चमत्कार भी उसके साथ ही होते हैं, जो लोग सिर्फ ऐसे चेक करने के लिए भगवान को जाते हैं कि परमात्मा है या नहीं है, उनके साथ कोई चमत्कार नहीं होता है, तो मैं जरूर मानता हूँ जरूर चमत्कार हुआ होगा और बहुत बहुत अच्छा। मुझे इतनी बार मैं वैष्णो देव को, तीसरी बार गई, लेकिन इस बार जो मैं गई ना तो सोचा कि मेरा जन्म सफल हुआ। नहीं, ये बात तो है, सही कह रहे हो आप। सच्ची में मैंने नहीं, बहुत देखो खुश हूँ, बहुत खुश मैडम हूँ ये मैं बात इस है, बार। देखो सब बोलने का ही है, और बंदा देखो आस्था सबके अंदर होती है, लेकिन कई लोग ना घबरा जाते हैं दूसरों की बातें, हम तो वीडियो भी इस तरह से बनाते हैं कि बंदा मोटिवेट हो, कम से कम जाए तो सही, एक बार देखे तो सही, हाँ तो बंदे कई बार घबरा जाते हैं, बाकी बहुत अच्छा नहीं लगा। मैंने तो आपके वीडियो में भी बता रहे थे कि अच्छे अच्छे फोटो, सच्ची में भैया मुझे मूड ही नहीं लगा फोटो निकालना, मेरा सिर्फ ध्यान मेरे बाबा के ऊपर था। अच्छा, थोड़ा सा मैंने फोटो निकाली है कि ज्यादा नहीं, वो भी दर्शन के बाद। उस दिन अरे प्रदोष था, 30 तारीख को अरे सुबह से ऐसा लग रहा था, नहीं मैं जब तक मैं बाबा को नहीं देखूंगी ना, नहीं मुझे खाना खाना। माय गॉड, अच्छा मैंने अच्छा पूरा उपवास रखा उस दिन, देखिए ना, आपकी आस्था भी उस हिसाब से थी ना, आस्था। सुबह से लेके कुछ नहीं खाया, खाली थोड़ा सा एक लड्डू था वो मेरा उपवास का, वही सुबह खाया था क्योंकि मेरा बीपी जल्दी लो हो जाता है। लेकिन नहीं, बाबा ने कुछ होने नहीं दिया मुझे। रात को मैंने 11 बजे बालताल मार्ग से जब आ रहे थे, तब एक भंडारे में हमने खाना खाया, लेकिन भरपेट खाया उस दिन रात को, क्योंकि मुझे इतना इतनी खुशी मिली कि हाँ अब भी मैं खाना खा सकती हूँ, अभी मुझे उपवास छोड़ना चाहिए। नहीं, दर्शन करने का मन करता भी है, और बहुत अच्छा लगा। कुछ फोटो वोटो खींची होंगी, वीडियो बनाई तो भेज देना आप, मैं डाल दूंगा हाँ यूट्यूब पे ना, हाँ ठीक है जरूर, ठीक है, बाकी मैं आपका नंबर, कोई थोड़ी सी फोटो निकाली है, ज्यादा कुछ बात नहीं नहीं, जो भी निकाली। होंगी, यही नंबर है ना व्हाट्सएप का आपका, कहाँ हाँ मेरा व्हाट्सएप का यही से बात नंबर कर रहे है। हैं आप, प्रॉपर मैं पूना से, महाराष्ट्र। पूना से ही, हाँ मैं प्रॉपर पूना में रहती हूँ। अच्छा जो ये आपका क्या है वो डेकन, डेकन भी है ना वहाँ पे चौक, डेकन चौक, हाँ एफसी कॉलेज भी है पुणे में, हो, मेन पुणे, पुणे में ही एफसी कॉलेज भी है ना आपका, हाँ एफसी कॉलेज है, मैं पूना में, थोड़ा सा एफसी कॉलेज से मैं 7 किलोमीटर अच्छा मैं वहाँ पे आता रहता हूँ, हमारा ऑफिस का टेस्टिंग वगैरह होता है ना, कभी भी पाकड़ आइए भैया, मेरा ये पाकड़वाड़ी नंबर लेके सेव आता हूँ वहाँ से, करके मैं रखिए। पाकड़वाड़ी लेके नहीं आता हूँ नहीं मैं आपको दूंगी वो भाकरवड़ी। फेमस आप है वहाँ पे हरियाणा क्या, से हो ना? नहीं, मैं तो हिमाचल से हूँ वैसे, हाँ हिमाचल से हो आप। हाँ नहीं आप हिमाचल, मेरे घर में कभी भी आइए, नहीं मैं तो जरूर, रिक्वेस्ट करूंगी आपको हमारे घर में, आप मई या जून में आओ, मई में ही आओ, क्योंकि मेरे घर में हमारा आम ज्यादा मिलता है। अच्छा आम मिलता है, जरूर आएंगे आम खाने, पक्का हाँ आऊंगा, और वो एक मेरी भी, बॉम्बे वाली दीदी है वो बहुत जिद हाँ करती है, उनके यहाँ जाना है मुझे, तो एक ही ट्रिप में ना, अभी मैं बीच में गया भी था बॉम्बे किसी काम हाँ से, हाँ तो बीच में कभी टाइम निकाल के जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। जरूर आइएगा हमारी महाराष्ट्र की पूरन पोली खाने के लिए, आ ठीक है जाइएगा। जरूर आऊंगा, बहुत बढ़िया, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, इसी तरह से भोले ठीक बाबा जी का परिवार बना रहे, आप भी कभी हिमाचल आइएगा,
घूमने के लिए, जरूर तो जरूर। धर्मशाला आपका अपना ही घर है, बिल्कुल यहीं पे हमने बना रहे हैं आश्रम वगैरह ना समिति हाँ का, हाँ तो कभी भी आएंगे आप धर्मशाला कांगड़ा देवी घूमने के लिए तो जरूर हाँ आइएगा, हाँ फोन कर लीजिएगा मुझे, ठीक है। ठीक है ठीक है। आपका यही नंबर है ना? हाँ यही नंबर है मेरा, हाँ मैं कई मैंने बार सेव किया हुआ है ये नंबर। फोन नहीं भी उठा पाता तो आप मैसेज कर देंगे, जब भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, चलेगा। जय भोले बाबा जी की, जय भोले बाबा जय की। भोले बाबा जी की।